ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज एक नए सेशन के साथ हम लोग फिर से वापस आए हैं 92.7 बिग एफएम पर। और आज का जो सेशन है वो है आवर स्पेशल आईवीएफ अवेयरनेस सेगमेंट। और इसमें हमारे साथ आज एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ऑब्वियसली डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, ही इज वेरी वेल नोन, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल द नेम। डॉक्टर बी डी परेशन, एन एस्टीम्ड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ विट्रो फर्टिलाइजेशन। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर सर डॉक्टर बी डी परेशन, मुझे बताइए कि सर जब इनफर्टिलिटी की बात होती है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज ए नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर हम समझे, तो व्हाट एग्जैक्टली इज इनफर्टिलिटी एंड हाउ कॉमन इज इट अमंग द कपल्स? जो भी कपल है, दंपति है, शादी होने के बाद 1 साल तक वो ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहे या प्रेगनेंसी नहीं आ रही, ये लोग इनफर्टिलिटी के टैग में आते हैं। और आजकल इनफर्टिलिटी कॉमन हो गया है। ऑलमोस्ट हमारे ओपीडी में जैसे मैं 10 पेशेंट देखता हूँ तो उससे 3 से 4 लोग इनफर्टिलिटी से ग्रस्त है। तो मुझे ये बताएंगे कि व्हाट कॉजेस द इनफर्टिलिटी, बिकॉज अभी के टाइम में वी यू नो गेट टू हियर अ लॉट ऑफ रीजंस कि इस रीजन के वजह से हो रहा है या फिर दूसरा रीजन है। सो इफ यू कैन टेल मी द राइट कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी अमंग मेन एंड वुमेन बोथ। काफी सारे कॉजेस है आजकल। 40% रीजन फीमेल में रहते हैं, 40% मेल में रहते हैं, और 20% ऐसे केसेस है जिसमें मेल के और फीमेल के दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी इनफर्टिलिटी है। इनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में स्ट्रेस फैक्टर कॉमन है। जैसे अभी फीमेल्स का आप देखेंगे तो अभी आजकल लेट एज मैरिजेस बिकॉज ऑफ करियर, ये एक कॉमन कारण है। दूसरा है लाइफ स्टाइल, ईटिंग है, आउटसाइड ईटिंग है, वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी आजकल बहुत कॉमन है, पीसीओएस बहुत कॉमन है, ये कॉमन कारण है। जैसे फिर जैसे आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, वन ऑफ द कॉमन रीजन फॉर इनफर्टिलिटी ट्यूबल ब्लॉकेज, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, और पीसीओएस की वजह से अनओवुलेशन, कि वो हर महीने जो ओवुलेट होना चाहिए वो नहीं ओवुलेट हो पाते, ये कॉमन कारण है। और रेयर कारण आजकल काफी हम देख रहे हैं प्रीमैच्योर ओवरियन फेल्योर। नॉर्मली अपने 45 के आसपास जो मेंसेस जाते हैं, मेनोपॉज आता है, आजकल कुछ फेमस में एट द एज ऑफ 20-25 भी मेनोपॉज है, लेकिन ये रेयर है। और मेल्स में अगर देखेंगे उसमें भी अगेन लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, लेट मैरिजेस, बिकॉज ऑफ एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, तो उसकी वजह से स्पर्म प्रॉब्लम काफी आते हैं, काफी लोगों में सीमेन पैरामीटर्स डिरेंज हो जाते हैं। तो ये मेल्स में कॉमन प्रॉब्लम है। मेल्स में रेयर प्रॉब्लम जो है बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ कुछ क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी कॉमन कारण है। और कुछ लोगों में सब अच्छा रहता है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि सेफ पीरियड क्या है, अनसेफ पीरियड क्या है, कब इंटरकोर्स करने से पीरियड प्रेगनेंसी होती है। ये अवेयरनेस कम होने की वजह से भी किस कोई कोई पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी रहते हैं, और कोई पेशेंट्स में सब अच्छा है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है टू परफॉर्म इंटरकोर्स ड्यूरिंग द प्लान ओवुलेशन टाइम। ये भी एक रीजन है इनफर्टिलिटी का। तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली? डिपेंड, जैसे जब भी आपके पास पेशेंट आता है, हम लोग कपल्स का मतलब मेल फैक्टर और फीमेल फैक्टर का दोनों का रूटीन चेकअप करते हैं। उसमें जो भी निकलता है उसके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर सबका दोनों मतलब मेल का और फीमेल का रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि 2 मंथ्स टू ट्रैक द ओवुलेशन। तो उसके ओलिकुलर स्टडी, एक सोनोग्राफी रहता है ओवुलेशन स्टडी, उसमें हम लोग पीरियड के 8th डे से या 7th डे से पेशेंट को बुलाते हैं और देखते हैं कि एग्स बन रहे कि नहीं बन रहे, कौन से बाजू में बन रहे, और ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्लान रिलेशन 2 बार करने के बावजूद अगर कैंसिल नहीं हो पाते हैं देन वी गो फॉर IUI, इंट्राउटराइन इंसेमिनेशन। अगर एज आपका लेस देन 30 है तो यू कैन गो फॉर 3 IUI, 6 IUI मैक्सिमम। अगर आपका एज मोर देन 30 है तो यू कैन गो फॉर 3 IUI। या आपका AMH लेवल, जो एक स्टोरेज बताता है, एक रिजर्व बताता है, वो अगर आपका लो है तो उसमें जल्द से जल्द IUI में अगर कंस्यूम नहीं हो पा रहे तो IVF का डिसीजन लेना चाहिए। तो सर जैसे कि लाइक आई आस्क्ड यू द सेकंड क्वेश्चन, और उसमें आपने बताया कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी क्या हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द टर्म दैट वी यू नो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, उसमें कहा था कि IVF जिसको हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो मुझे थोड़ा इसका प्रोसेस अगर बता सके कि क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज आर्ट। आर्ट मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो जो भी कपल को कुछ हेल्प लग रहा है तो ART का बेनिफिट उनको मिलता है। तो आर्ट आर्ट में जैसे आपका IUI भी आता है, IVF भी आता है। इवन सिंपल जैसे ट्रीटमेंट है, जैसे किसी का एग नहीं बन पा रहा है, हम ओवुलेशन इंडक्शन का कुछ मेडिसिन दे रहे, वो भी आर्ट में आता है। तो
आईवीएफ की जो प्रोसीजर है, तो जो भी कपल ऑप्ट करता है आईवीएफ के लिए या जो पेशेंट में आईवीएफ नीडेड है, उसमें हम फीमेल पार्टनर जो है, जैसे उसका पीरियड आता है, पीरियड के सेकंड डे को या थर्ड डे को या फर्स्ट डे को, डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कुछ एग्स बनाने के लिए इंजेक्शन शुरू करते हैं। जैसे एच एम डी इंजेक्शन रहता है, एफ एस एच इंजेक्शन रहता है, इसमें हमारा टारगेट रहता है कि मैक्सिमम एग कैसे बनाया जाए। तो इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन। तो लगभग हम ये डेली इंजेक्शन 10 दिन तक देते हैं। जब ये इंजेक्शन लग रहा है तब मॉनिटरिंग होता है कि फॉलिकल्स बन रहे कि नहीं बन रहे, कितने बन रहे, साइज क्या है उसका, ई टू लेवल, स्टेरॉइड लेवल मॉनिटर करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन रिपोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन फॉलिकुलर ग्रोथ, इंजेक्शन का डोज भी अप डाउन होता है। जब हमारे एग्स रेडी हो जाते हैं तब हम एक इंजेक्शन देते हैं, उनको ट्रिगर बोलते हैं। और ट्रिगर के अप्रोक्सीमेटली 36 आवर्स के बाद हम पेशेंट्स का ऊ सेट रिट्राइवल या ओम पिकअप के लिए पोस्ट करते हैं। ये जो ऊ सेट रिट्राइवल है या ओम पिकअप है, ये जो प्रोसीजर है अंडर एनेस्थीसिया होते हैं। तो इसके लिए हम पेशेंट को 8 पेट, खाली पेट या नील बाय माउथ फॉर 8 आवर्स के इसमें बुलाते हैं। ये आईवीएफ सेंटर में अंडर एनेस्थीसिया, अंडर सोनोग्राफी गाइडेड, एक छोटे से निडल द्वारा ये जो फॉलिकुलर्स जितने दिखते हैं उसमें का फॉलिकुलर फ्लूड जो है वो हम ड्रेन करते हैं, फॉलिकुलर फ्लूड एस्पिरेट करते हैं अंडर सोनोग्राफी गाइडेड, अंडर एनेस्थीसिया। बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया ये पेनलेस प्रोसीजर है, पेशेंट को पेन बिल्कुल नहीं होता है। जो भी फॉलिकुलर फ्लूड हम निकालते हैं वो हम लोग एम्ब्रोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करते हैं। एम्ब्रोलॉजिस्ट वो फॉलिकुलर फ्लूड में देखते हैं एग्स या ओम। तो उसमें फिर ओम का क्वालिटी कैसा है, M1 कितने हैं, M1 M2 कितने हैं, GV कितने हैं, ये देखते हैं। जो भी M2 है अच्छे एग्स बोलते हैं उसको, M1 मतलब थोड़ा सा कम क्वालिटी के, GV मतलब इमेच्योर एग्स। तो M1 M2 जितने भी एग्स मिलते हैं उसमें हम लोग फिर इक्सी कराते हैं। इक्सी मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो पेशेंट का स्पर्म लेके एक एक में एक स्पर्म छोड़ते हैं, उसको इक्सी बोलते हैं। और आईवीएफ जो है, आईवीएफ आजकल जनरली बहुत कम लोग करते हैं। आईवीएफ में जैसे एग अपन पेट्री डिश में रखते हैं और उसमें स्पर्म छोड़ देते हैं, तो स्पर्म एक स्पर्म अपने आप चूज करता है एग्स में पेनेट्रेशन करने का, वो अपने हाथ में कंट्रोल नहीं पेनेट्रेशन का। इक्सी में अपन मशीन के द्वारा, इक्सी मशीन के द्वारा खुद स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। तो इक्सी अगर करते हैं तो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आपके ज्यादा आते हैं। तो मुझे जब आईवीएफ की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इसके साथ एक क्वेश्चन, जैसे आई थिंक आपको भी बहुत सारे सवाल आते होंगे सक्सेस रेट को लेके, जब आईवीएफ की बात करते हैं कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है एंड व्हाट फैक्टर्स कैन रियली इन्फ्लुएंस द सक्सेस ऑफ आईवीएफ का आईवीएफ। सक्सेस रेट काफी चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट इज नॉट कॉमन फॉर ऑल। जैसे अलग अलग टाइप का आईवीएफ है। एक रहता है आईवीएफ सेल्फ साइकिल, मतलब खुद का अंडा खुद का स्पर्म। कोई कोई पेशेंट में जैसे स्पर्म नहीं है, अजुस्पर्म है, उसमें फिर पेशेंट का अंडा रहता है, डोनर का स्पर्म रहता है। कोई पेशेंट में एग्स नहीं है या लोए में से एग्स नहीं मिल पा रहे, तो डोनर एग्स और हस्बैंड का स्पर्म रहता है। और हस्बैंड के पास भी स्पर्म नहीं, तो डोनर एग्स एंड डोनर स्पर्म, इतने टाइप्स के है। तो पेशेंट का एज कितना है, पेशेंट का AMH कितना है, पेशेंट का रिस्पॉन्स कितना है, पेशेंट के M1 M2 एग्स कितने मिले, इस प्रकार से आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट डिसाइड होता है। नॉर्मली अगर आपके सब रिपोर्ट्स अच्छे हैं और सेल्फ साइकिल में आप जा रहे हो, तो एक अच्छे सेंटर में आप अगर आईवीएफ करा रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 35-40% सेल्फ साइकिल में आपको रिजल्ट आता है। अगर आपका ऊसा डोनर साइकिल है उसमें अराउंड 65% सक्सेस रेट आता है। और एम्ब्रियो अडॉप्शन जिसमें एग्स भी दूसरे का है, स्पर्म भी दूसरे का, इसमें अप्रोक्सीमेटली 80% सक्सेस रेट पाया जाता है। तो सर, जब आईवीएफ प्रोसेस हम लोग करते हैं, जब आईवीएफ का प्रोसेस जो चलता रहता है, सो इज देयर एनी लाइफस्टाइल चेंजेस दैट यू नॉर्मली सजेस्ट टू द पेशेंट? मैं हम लोग तो उनको जैसे कोई एडिक्शन है तो वी ऑलवेज टेल टू स्टॉप द एडिक्शन। जैसे कोई स्मोकिंग करता है, टेल देम टू स्टॉप द स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको। उनका जो नींद प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उनका जो खान पान जैसे जंक फूड बाहर ज्यादा खा रहे हैं वो हम बंद कराते, कराने के लिए सलाह देते हैं। वेट उनका नॉर्मल है कि नहीं देखते हैं। तो BMI वेट के ऊपर डिपेंड रहता है। नॉर्मल जो आइडियल वेट रहता है वो पेशेंट का हाइट इन सेंटीमीटर, उसमें अगर आप -100 अप कराते हो तो उनका वो आइडियल अपर साइड ऑफ द नॉर्मल वेट रहना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग वेट तक पहुंचे। और साथ में कुछ मेडिसिन सप्लीमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। और स्ट्रेस फैक्टर, दे शुड मिनिमाइज द स्ट्रेस फैक्टर, दे शुड गो फॉर सम मेडिटेशन, योगा, सो दैट देयर मेंटल कंडीशन शुड बी स्टेबल। और डेली वी रिकमेंड टू गो फॉर 45 मिनट एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज व्हिच एवर सूट्स टू देम।
So when it comes to IVF also, there is another part which is attached to it, which is the finance part. So I want to know, are there any financial considerations or maybe assistance options available for individuals जिन लोग जो लोग IVF बजाज फाइनेंस की तरफ से भी EMI बेसिस पे मिलती है फैसिलिटी. एक लेट से MD बोल के उनकी तरफ से भी एक EMI फैसिलिटी मिलती है विथ मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट. और ऑलरेडी हमारे सेंटर के रेट्स भी इतने कम है कि बहुत कम बार पेशेंट को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है. Okay. So I want to know what are some alternative fertility treatments or procedures apart from IVF. दूसरा जो चीज है IUI जो बोलते हैं. IUI जो है उसके लिए कंपलसरी आपका फैलोपियन ट्यूब ओपन रहना चाहिए और पेशेंट के हस्बैंड का स्पर्म काउंट नॉर्मल रहना चाहिए. अगर ये दो चीज है तो दे कैन गो फॉर IUI. AMH अगर अच्छा है तो नॉर्मली IUI में कंसीव हो जाते हैं. अगर कोई पेशेंट 6 बार IUI करके अगर कंसीव नहीं होता तो फिर उनके लिए IVF ही ऑप्शन है. तो सर मुझे अगर एक चीज आप बता पाए कि जब फर्टिलिटी की बात आती है, लाइक वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ रीजंस कि ये रीजंस हो सकते हैं, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, प्रोसीजर्स ये हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कुछ रहते हैं क्या इनफर्टिलिटी के रीजन की वजह से? जैसे मेल पार्टनर है वो अगर हॉट एनवायरमेंट में काम करता है तो उन लोगों में थोड़ा स्पर्म प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है. बाद में कोई आप फर्टिलाइजर कंपनी में मेडिकल कंपनी में अगर एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स हो रहा है तो भी आपके एक क्वालिटी में फर्क पड़ता है, स्पर्म पैरामीटर में फर्क पड़ता है. आप कोई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है अगर एक्सरे रेडिएशन अगर आपका मोर देन एक्सेसिव मतलब जो अपना लेवल अलाउड है उससे अगर ज्यादा जा रहा है तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज योर एग क्वालिटी ऑल्सो एंड स्पर्म क्वालिटी ऑल्सो. So one last thing I want to know for those couples who are expecting to become parent and also considering the IVF, what would you suggest to them? सबसे फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम जो देखते हैं बहुत से बार मैक्सिमम टाइम बोथ कपल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल, दे आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड कि कंसीव नहीं हो पा रहे कंसीव नहीं, या कभी कभी वो लोग प्रेगनेंसी को टारगेट लेते हैं. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रेस फैक्टर आप जीरो करिए, इससे काफी लोगों का कंसीव ऑटोमेटिक हो जाता है. जो भी बचे हुए हैं उन्हें ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस रखना चाहिए. IVF में एनी इनफर्टिल ट्रीटमेंट रिक्वायर्स पेशेंस. इवन इफ फेल हो भी हो जाते फिर से कोशिश करना चाहिए. जस्ट दो तीन महीने में डॉक्टर चेंज नहीं करना चाहिए. जो भी एक डॉक्टर आप चूज करते हैं उनके ऊपर आपका ट्रस्ट रहना जरूरी है और स्टेप बाय स्टेप जो भी डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं उसके हिसाब से अगर फॉलो अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी आएगी. प्रेगनेंसी कब आएगी, कितने दिन में आएगी, कितने महीने में आएगी, ये आपको कोई भी नहीं बोल सकता. सिर्फ आपको पेशेंस और ट्रस्ट बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक जिस तरह से आपने सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ समझाया है कि क्या है, क्या करना चाहिए IVF, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन रहते हैं IVF को लेके, एंड अगर सही से कहूँ तो कहीं से भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलता है. एंड द वे यू सजेस्टेड कि जब डॉक्टर्स चेंज करने की बात करते हैं, सो आई थिंक आई ऑल्सो नो पीपल कि वो बड़ा ही फ्रिक्वेंट रहता है उन लोगों में. सो आई थिंक आपका सजेशन वो लोग मानेंगे. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर बीडी पेरिसो फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. एंड वन थिंग आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि miracles happen and today is all about hope and happiness. So keep smiling, keep believing and keep spreading love. Thank you so much sir for joining us today. Start your joy. This initiative is brought to you by Bharat Serums and Vaccines. Aur for patient awareness hum logon ka YouTube channel bhi hai, Om Sai Hospital Emergency City Vasai East. Usme simple simple bhasha mein patient awareness kafi sare videos hai. Usme kisi ko kuch query hai they can post their queries, hum log usko reply bhi dete hain. और किसी को कोई क्वेरी है दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट एट ओम साई हॉस्पिटल वसई ईस्ट एंड नाला सुपर ईस्ट. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प. Yes, one second. So I also like to repeat, Dr. B.D. Pariso ji ne jo kaha that infertility specialist, Om Sai Hospital, Mumbai. Agar aapko kuch bhi doubt hai, you can visit there. You can also go to their YouTube channel, subscribe to them. And if you have any doubt, you can just put your questions over there and you will get your answer. Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you.